राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। एक साल पहले बनकर तैयार हुई नई संसद की छत से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि संसद की लॉबी में छत से पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी जमा हो रहा है। यह वीडियो कांग्रेस के मणिकम टेगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इसमें लॉबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया ग्लू हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए में बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।